हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन COVID-19 प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें कि आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है और आपको शो होता है कि 30 डे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा अगर आप रिव्यू में नहीं भेजते हैं, या फिर आपको वन डे भी शो हो सकता है। कितने भी दिन आपको शो करे तो कैसे आप अपने अकाउंट को अनबैन कर सकते हैं, कैसे आप उसे इनेबल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस पर मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आपको बता दूं कि ये दो तरीके से रीज़न होती है, COVID-19 होती है और उसके साथ आपको वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन एक प्रॉब्लम होते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। उस पर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आप करते क्या हो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और उसकी जो प्रोसेस है उसे आप कंप्लीटली नहीं देखते हो, और आप करते क्या हो कि जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हो तो बार बार जो है आप लॉग इन करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक आपके अकाउंट को अनबैन नहीं करता है, उसे डिसेबल कर देता है। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो मैं आपको इसमें इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं उसे फॉलो कीजिए, तो आपका जो अकाउंट है वो अनबैन हो जाएगा, उसे आप दोबारा से यूज कर पाएंगे। लेकिन आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं उसे फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है जिसमें आपको वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन COVID-19 प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो आपको नीचे जो लॉग आउट का एक ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कीजिए। लेकिन उससे पहले, क्लिक करने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो दिखा रहा है कि आपका अकाउंट इतने दिन के अंदर बैन हो जाएगा, तो आपको उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से इस अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, यानी कि आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। अगर आप बार बार लॉग इन करने का ट्राई करेंगे तो फेसबुक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तो आपको यहां से लॉग आउट करना है और उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ये दोनों स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं तो इसका आपको एक कॉलाज बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आप दो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, या तो आप जो है पिक्सलैब का यूज कर सकते हैं या फिर पिक्सआर्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पिक्सआर्ट का यूज करता हूं, मेरे पास दोनों एप्लीकेशन है। तो यहां पर जैसे आप पिक्सआर्ट पर जाते हैं तो आपको यहां पर एक कॉलाज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना होता है और यहां पर दोनों स्क्रीनशॉट को ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और इसका कॉलाज बना के आपको इसे गैलरी में सेव कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको जाना होता है किसी ब्राउजर में, यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा आपको क्रोम ब्राउजर। तो क्रोम ब्राउजर पर जाइए। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको सर्च करना होता है रिपोर्ट ए लॉगिन इशू। रिपोर्ट लॉग इन इशू पर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो लिंक आपको शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो ईमेल एड्रेस आपको वही यहाँ पर फिलअप करना होता है जो आपकी फेसबुक आईडी से कनेक्ट है या फिर जिस भी ईमेल एड्रेस से आपने अपने अकाउंट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर जैसे आप ईमेल एड्रेस फिलअप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पूछेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू। तो आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉलम मिलेगा, उसे कॉपी कीजिए या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूंगा, उसे आप टाइप कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसे जो है पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा आपको सबसे लास्ट में, जब आप ये सभी कर लेते हैं तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो जो आपने कॉलाज जो क्रिएट किया था अपने पिक्स आर्ट में उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको इसे सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आपको ध्यान में रखना है। जब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट आप जो है रिव्यू में अपना अकाउंट भेज देते हैं तो आपको कभी भी अपने अकाउंट को कम से कम 3 दिन तक ट्राई नहीं करना है लॉगिन करने का। एक बार भी लॉगिन करने का ट्राई मत कीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट अनबैन हुआ है या नहीं हुआ है तो आप कैसे कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के फ़ोन से आप चेक कर सकते हैं अपने नेम को वहाँ पर सर्च करके कि आपका अकाउंट अगर शो हो जाता है तो समझे कि आपका अकाउंट यहाँ पर अनबैन हो गया है, उसे आप इनेबल कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि लोग सब्र नहीं करते हैं, बार बार लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। 3 दिन तक अपने अकाउंट को लॉगिन करने का ट्राई मत कीजिए। और आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई मेल नहीं आएगा फेसबुक की तरफ से। आप जो है इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी फ्रेंड या रिलेटिव के फ़ोन से एक बार अपने नाम को सर्च करके देखिए। अगर आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा तो आपको शो हो जाएगी, आपकी आईडी शो हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा से जो है अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जो वी रिसीव योर इन्फॉर्मेशन COVID-19 प्रॉब्लम है जो कि जिसकी तरफ से कि आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाता है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन से प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।